दोस्तों हर साल जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने भी ट्वेल्थ पास करते हैं, ट्वेल्थ पास करते ही अलग अलग तरह के कोर्सेज में एडमिशन्स लेते हैं, अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए बहुत तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में वो एडमिशन लेते हैं। उन्हीं सभी कोर्सेज में, जितने कोर्सेज चलते हैं अपने हिंदुस्तान में, एक बहुत ही डिमांडिंग, जॉब ओरिएंटेड और बहुत ज्यादा करने वाला एक कोर्स जिसमें कि स्टूडेंट अपनी रुचि दिखाते हैं, वो एक कोर्स होता है बी डैश, या फिर आप बोलिए बी डिजाइन। बी डिजाइन एक ऐसा कोर्स है जिसमें प्रैक्टिकली चीजें आप सीखते हो, किस तरह से आप चीजों को डिजाइन करोगे। और बी डिजाइन कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जो आपके पास हुनर होता है चीजों को डिजाइन करने का, आप फैशन डिजाइनर बनेंगे, ग्राफिक डिजाइनर बनेंगे, फैशन स्टाइलिस्ट बनेंगे, या क्या आप बनेंगे, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं जब आप ये एक कोर्स कर लेते हैं बी डैश या फिर बी डिजाइन। दोस्तों बी डैश बोले या फिर हम बोले बैचलर ऑफ डिजाइन, मतलब बी डिजाइन, दोनों ही प्रोफेशनल अंडरग्रेजुएट कोर्स होते हैं। 4 साल का कोर्स है ये, और जो कि स्पेशलाइजेशन अलग तरह की होती है, प्रोडक्ट डिजाइन होता है, फैशन डिजाइन होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है, टेक्सटाइल डिजाइन होता है, फैशन कम्युनिकेशन एटसेट्रा, ऐसी कई सारी स्ट्रीम्स में इस कोर्स को करवाया जाता है। और उसके बाद में एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद में, जॉब ओरिएंटेड जिस कोर्स को हम इसको बोल सकते हैं, करने के बाद आपकी आसानी से जॉब भी लग जाती है। कौन से अच्छे संस्थान है, किस तरह से आपका एडमिशन होगा, और साथ में ही कोर्स कंप्लीट करने के बाद में क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं, आप जॉब करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिल में होते हैं। फीस भी एक बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के दिलों में, या फिर हम कहां से एडमिशन लें, प्राइवेट से लें या गवर्नमेंट से लें, इन सभी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। बी डिजाइन के बारे में, बी डेस्क के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए, फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बारे में या फिर बी डिजाइन के बारे में, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हम हमेशा वीडियोस लेकर आए हैं जिन भी किसी कोर्स पर आपने डिमांड की है, या जिस भी कोर्स के बारे में आप पूछते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं, कॉलेज के बारे में, या इंटरनेशनल जो कोर्सेज या यूनिवर्सिटीज हैं उन पर हम वीडियोस अक्सर लेकर आपके लिए आते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बी डिजाइन पर। बी डिजाइन बोले या बी डेस्क बोले, दोनों बात एक ही है। इस कोर्स को करने के लिए साधारणतः आप ये समझ लीजिए कि 12वीं आपका पास होना बहुत जरूरी है, और वो भी किसी भी अच्छे एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से। बोर्ड रिकॉग्नाइज होना चाहिए तो आप एलिजिबल है बी डिजाइन कोर्स करने के लिए। जो कोर्स सिर्फ 4 साल का होता है, 4 साल का जो कोर्स सेमेस्टर मोड पर आप अपना ये कोर्स करते हैं, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे सेक्टर्स में आपके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर हम एडमिशन कहाँ लें, हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में लें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लें, या किस तरह से हम चयन करें यूनिवर्सिटीज का। मैं हमेशा से अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताता हूँ कि डोंट बी क्वालिफाइड, बी एजुकेटेड। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन लेना आपका अधिकार है। क्वालिटी एजुकेशन जब तक आपको नहीं मिलेगी, तब तक आपको सही और गलत के बीच में क्या फर्क होता है समझ नहीं आएगा। मेरी कोशिश ये है हमेशा आपको बताने की कि आप सबसे पहले कोशिश कीजिए किसी भी सरकारी संस्थान में आपका एडमिशन हो जाए, एंट्रेंस आप दीजिए, और एंट्रेंस देने के बाद में किस संस्थान में आपका एडमिशन होता है, कहाँ आपका चयन होता है, ये डिपेंड करता है कि कितने आपने मार्क्स स्कोर किए अपने एंट्रेंस में और कितनी परसेंटेज थी आपके ट्वेल्थ में। सरकारी जो संस्थान है, सरकारी यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जितनी भी है, पहले आप कोशिश करें यहीं आपका एडमिशन हो, अपने कोर्स को कंप्लीट करें, और फिर भी आपका अगर नंबर ना आए, ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में जो यूनिवर्सिटीज इस कोर्स को करवाती है। 260 प्लस संस्थान है हिंदुस्तान में जो करवाते हैं बी डिजाइन कोर्स को या बी डेस्क को, जो कोर्स करवाते हैं। दोस्तों हालांकि आप इस कोर्स को करने के लिए बहुत सी कंट्रीज में भी जा सकते हैं, जहां स्टूडेंट्स जाते हैं अलग अलग कंट्रीज का वो चयन करते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि अपने देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे संस्थान हैं जहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए या सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं, बशर्ते कि आपका एडमिशन जो होगा एंट्रेंस बेस्ड होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, दूसरा एक सेकेंड ऑप्शन चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसका सिमिलर कोई ना कोई अच्छा ऑप्शन जरूर दे देंगे। और फीस के बारे में भी अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, कहां की फीस सस्ती है या किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं आप, हमसे कॉन्टेक्ट आप जरूर करें। हो सकता है कि उसी यूनिवर्सिटी में आपकी फीस कम हो जाए हमारे रेफरल कोड से, या ऐसा भी हो सकता है कि हम आपको दूसरा एक अच्छा ऑप्शन दे दें
बी डिजाइन कोर्स करने के लिए, बी डेस्क कोर्स करने के लिए। दोस्तों बी डिजाइन आप कोर्स करना चाहते हैं, बी डिजाइन बैचलर ऑफ डिजाइन बोलते हैं इसको, 4 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम आप इसको बोल सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है 4 साल का ये जो कोर्स होता है, साथ में एंट्रेंस बेस्ड है, 12th पास चाहिए किसी भी इक्विवेलेंट जो बोर्ड है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बात आती है फीस कितनी होती है। दोस्तों अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग तरीके से कोर्स को करवाती है, कोई यूनिवर्सिटी 50,000 पर ईयर लेती है तो कोई यूनिवर्सिटी 2,00,000 रुपए पर ईयर लेती है। ये फीस का डिफरेंस है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, बट हाँ आप फीस को कंपेयर जरूर कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको भी बताया, आप जब बी डिजाइन कोर्स कर लेंगे, बी डिजाइन कोर्स करने के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस हालांकि आपके लिए खुल जाते हैं। बी डिजाइन कोर्स करने के लिए हालांकि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस टेस्ट भी करवाती है, बट जो कुछ जो फेमस जो इसके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला मैं आपको बताना चाहूंगा NIFT एंट्रेंस टेस्ट होता है, या फिर पर्ल एकेडमी एंट्रेंस टेस्ट भी करवाती है जो पर्ल एकेडमी है, साथ में NIDDAT एक टेस्ट होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन करवाता है इसको, AIEED करवाता है, ARCH एकेडमी ऑफ डिजाइन, या फिर UCEED करवाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे जो यूनिवर्सिटी है वो करवाती है, और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करवाती हैं। ये डिपेंड करता है एंट्रेंस टू एंट्रेंस और किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि बी डिजाइन कोर्स 4 साल का जो कोर्स है आप करना तो चाहते हैं, बट इसमें स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं? ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बी डिजाइन कोर्स करेंगे डिजाइनर ही बनेंगे। अब बी डिजाइन जो कोर्स की स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि बी डेस इन फैशन डिजाइन आप कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग में जो स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं वो कर सकते हो, फैशन कम्युनिकेशन में भी आप कर सकते हो, साथ में प्रोडक्ट डिजाइन जो डिजाइन किए जाते हैं प्रोडक्ट उसमें भी आप कर सकते हो, साथ में कम्युनिकेशन डिजाइन में भी आप इस कोर्स को कर पाएंगे, इंडस्ट्रियल डिजाइन में भी आप कर पाएंगे, टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइन इसमें भी आप ये कोर्स कर सकते हो, और भी कुछ स्ट्रीम्स होती हैं, बट जो ये फेमस जो स्ट्रीम्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और दोस्तों अगर आप बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें जो सेमेस्टर्स आपके जो बनाए जाएंगे उस सेमेस्टर्स के अनुसार टोटल हुए आपके 8 सेमेस्टर, उसके अनुसार ही इसके सिलेबस को बांटा हुआ है। बट इस कोर्स को कंप्लीट करने तक आपके पास जो हुनर होगा, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में मेरा मानना है आसानी से आपकी नौकरी भी लगेगी और आसानी से ही अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आप जरूर कर लेंगे, बहुत कुछ आप सीख जाते हैं, बशर्ते जहां से आपने इस कोर्स को किया उस कोर्स को करने के बाद में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया नॉलेज बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकली आपने कितना सीखा इस कोर्स को वो बहुत जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से होने वाला कुछ है नहीं। अब आता है जॉब्स कौन कौन सी आपको मिल जाती है। जॉब्स की आप बात समझे तो फैशन डिजाइनर की जॉब आपको मिल सकती है, ग्राफिक डिजाइनर आप बन सकते हैं, डिजाइन मैनेजर आप बन सकते हैं, फैशन फोटोग्राफर आप बन सकते हैं, फैशन स्टाइलिस्ट आप बन सकते हैं, आर्ट सेट डायरेक्टर बन सकते हैं, या फैब्रिक क्वालिटी कंट्रोलर भी आप बन सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का डिजाइनर एक कोई भी एक बड़ा सा शोरूम आप अपना बना सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज होगी तो। हालांकि होता क्या है कि नॉलेज करते करते आपको आनी शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है जब आप इस चीज के अंदर परफेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह का सवाल अगर इस कोर्स को लेकर है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहां पर एडमिशन ले सकते हैं, या फिर फीस को क्या कंपेयर आप करना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में फीस सबसे कम है, इन सभी चीजों में हम आपकी मदद कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को अपडेट रख सकें, क्या इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। अच्छा लगा दोस्तों आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।